नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का सलुम्बर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। सराड़ा थाना क्षेत्र के गोमती नदी में हो रहा है अवैध बजरी खनन। आदर्श गांव टोड़ा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के द्वारा दवाइयों का किया वितरण। पाल सराड़ा ग्राम पंचायत के पाडर कुएं में गिरने से हुई वृद्ध की मौत। और अब खबरें विस्तार से। सराड़ा थाना क्षेत्र के गोमती नदी में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से हो रहा है। सलुम्बर पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के बाद बस्सी गांव के सीमा पर नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया। सलुम्बर थाना क्षेत्र के बस्सी गांव के थाना सीमा पर नाकाबंदी जिला पुलिस अधीक्षक राजीव बजार के निर्देश पर सलुम्बर DYSP सुधा पालावत, थानाधिकारी हनुमान सिंह तोड़ा ने नदी क्षेत्र से बजरी परिवहन करने पर ट्रैक्टर ट्रॉली व सराड़ा गांव के खड़ी निवासी ड्राइवर देवीलाल पुत्र रतन मीणा को गिरफ्तार किया है। सड़क क्षेत्र के गोमती नदी में पहाड़ी गांव से लेकर उदयपुरिया, सराड़ा, बड़गांव एवं बाणा गांव के नदी पेटे में अवैध बजरी खनन चल रहा है। पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सलुम्बर DYSP सुधा पालावत व थानाधिकारी ने सराड़ा थाना क्षेत्र के हरीला तालाब में चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई कर डंपर को जब्त किया था। सलुम्बर के आदर्श गांव टोड़ा में आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा मई माह में COVID-19 को देखते हुए उच्च अधिकारी व ब्लॉक आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर नंदराम त्रिवेदी के अनुसार टोड़ा आयुर्वेदिक स्टाफ के द्वारा 700 किट तैयार किए गए थे। सभी किट का वितरण आयुर्वेदिक विभाग के इंचार्ज हेमराज सिंह के द्वारा वितरित किए गए। वहीं 7 किलो काढ़ा वितरण भी किया गया। सराड़ा थाना क्षेत्र के पाल सराड़ा ग्राम पंचायत के पाडर कुई निवासा बदा पिता थावरा मीणा उम्र 65 साल की कल रात कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। पाल सराड़ा के पूर्व सरपंच लालू राम मीणा ने घटना की जानकारी सराड़ा पुलिस थाने में दी। सूचना के अनुसार सराड़ा थाना अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई, हेड कांस्टेबल कांतिलाल व बीट कांस्टेबल महेंद्र कुमार मेहजाबता पहुंचे और लाश को बाहर निकलवाया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक बदा मीणा मानसिक रूप से कमजोर थे, जो कभी भी उनके परिजनों को बिना बताए कहीं भी निकल जाते। रात इसी तरह खाना खाने के बाद तकरीबन रात 10 बजे लगभग घर से कहीं निकल गए, जिन्हें परिजनों ने पूरी रात ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। सुबह मृतक के घर से दूर लगभग 200 मीटर की दूरी पर बने कुएं में लाश मिली। शव को पुलिस व ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकलवाया गया, जिसको सराड़ा स्थित मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस व परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सलुम्बर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।